भारत और आपके साथ मैं हूं अभिनव उपाध्याय। मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने सीधी का नक्शा बदल दिया। वर्तमान में पार्टी के सामने चुनौती है, डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, तो पहले इंजन को मजबूत करने की चुनौती को लेकर आज बैठक हुई है। शुक्ला जी, क्या एजेंडा रहा आज की बैठक का? देखिए, एजेंडा तो एक ही है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना देश के लिए बहुत ज़रूरी है। देश जिस तरीके से आगे बढ़ा है, एक आर्थिक महाशक्ति बनने हमारा देश जा रहा है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो महान लक्ष्य को प्राप्त करना संभव हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कमर कस के इस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जनता चुनाव का इंतजार कर रही है और जब चुनाव होगा तो आप देखिएगा, एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। ऐसा पता चला है कि आपकी नज़र जो है 51% वोटरों पर है कि 51% वोट साधे जाएँ इस बार। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप तो साध लेते हैं आपकी विधानसभा में, लेकिन क्या पूरे प्रदेश में संभव हो पाएगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 48.8% वोट तो हमको विधानसभा में मिले हैं और पिछले लोकसभा में 58% वोट मिले हैं 2019 में। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। हमारे जो काम है वो लोगों के दिल और दिमाग में बैठे हुए हैं। बहुत दिनों के बाद देश को भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक ऐसी सरकार मिली है जिसने वास्तव में गाँव गरीब किसानों के लिए काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है। रेल की लाइनें बिछ रही, हवाई अड्डे बन रहे हैं, 4 लेन की सड़कें बन रही हैं, सिंचाई की नहरें बन रही हैं। चौतरफा जो काम सरकारों को करना चाहिए, जिसकी लोगों को अपेक्षा थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा किया है। हवाई अड्डा रीवा में तो बन रहा है, लेकिन प्रदेश के बाकी हिस्सों पर आपकी नज़र क्या वैसी बनी रहेगी? क्योंकि अब आप देखिए, उप मुख्यमंत्री हैं तो रीवा के अलावा पूरे प्रदेश पर आपकी निगाह होनी चाहिए। रीवा में भी हवाई अड्डा बन रहा है, दतिया में बन रहा है, उज्जैन में भी बनने जा रहा है और भोपाल में है ही, इसका विस्तार हुआ है। और प्रदेश तेजी के साथ बीमारू राज्य का कलंक प्रदेश के माथे से मिटा है, ये हम नहीं जमाना कहता है। तो इसलिए सुशासन क्या होता है, ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब से बनना शुरू हुई देश की जनता को समझ में आया है। आखिरी सवाल आपसे, बड़े बड़े नेता भाजपा की तरफ रुख कर रहे हैं, खबर है कमलनाथ जी भी आना चाहते हैं, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, पार्टी में स्वागत है हर बड़े, और जो हमारे वार्ड लेवल के, ग्राम पंचायत लेवल के जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम दो बाहें फैला के पार्टी में उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुना आपने राजेंद्र शुक्ल जी को, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने साफ तौर पर कमलनाथ की वापसी पर, इनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, लिहाजा कमलनाथ भी चाहें तो पार्टी में आ सकते हैं। अभिनव उपाध्याय, श्रेष्ठ भारत, नर्मदापुरम। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।